तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आप किसी भी फ़ोन में स्क्रीन फिंगरप्रिंट कैसे आप सेट कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो फ़ोन है इसमें जो है वो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो बैक है, तो हम इसमें स्क्रीन का फिंगरप्रिंट सेट करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने थीम को ओपन कर लेना है जहाँ से आपकी आप स्क्रीन चेंज करते हो। सभी फ़ोन में आपके पास थीम का ऑप्शन आता है, आपने थीम अपनी को ओपन कर लेना है। उसके बाद जहाँ पर आपने सर्च करना है फैंटेसी, ठीक है दोस्तों, ऐसे आपने जहाँ पर फैंटेसी सर्च करना है सबसे एक नंबर पर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको आपने क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसको जहाँ से अप्लाई कर लेना है। जैसे ही दोस्तों ये डाउनलोड होगा आपके पास अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इसको अप्लाई कर लेना है। अभी आप देख सकते हो थोड़े टाइम बाद इस पे जो है वो अप्लाई का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पर हम इसको जहाँ से कर देंगे। तो उसके बाद दोस्तों जब अप्लाई हो रहा है तो अप्लाई होने के बाद जैसे ही दोस्तों आपकी डिस्प्ले चेंज हो जाएगी, आपको जब आप ऑफ करोगे तो आपके पास ये जो है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हो हमारे फ़ोन में जो फिंगरप्रिंट ऑप्शन जो है वो भी आ गया है। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब मत करना कोई दिक्कत नहीं, पर वीडियो को लाइक ज़रूर करना।